अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरे देखने वाले जहाँ कहीं भी रहे, खुश रहे, आबाद रहे, आमीन सुम्मा आमीन। अपन आज खट्टी दाल बना लेंगे फ्रेंड्स, कुछ मत समझो, मेरी आवाज़ बहुत ख़राब आ रही वीडियो में, इसलिए मैं थोड़ा रिकॉर्डिंग कर रही। मेरे को सर्दी बहुत हो गई थी जी। इमली भी इसमें डाल देना, कोथमीर वैसे भी इसमें डाल देंगे। सेम आंध्रा का, आंध्रे का सांभर केसर का बनाती, देखो मैं आंध्र स्टाइल में। लहसुन डाल दी इसमें, मैं हरी मिर्चियाँ डाल दी। ज़बरदस्त दाल होती। खाना ये फली सेहत के वास्ते बहुत अच्छी, 12 विटामिन रहते इसमें। कैसे भी हम 15 दिन में एक बार तो कंपलसरी खाते इसको। थोड़ा नमक डाल दिए तो ओगर ओगर पना पूरा चल जाता। खाना पक गया, दाल भी गल गई। दाल गल गई, अच्छा गल गई। देखो दाल, इमली कोथमीर वैसे दाल के गला देना, दाल अच्छी आती दाल। इसमें इमली डाल देते ना, इन्हें उतना परफेक्ट सही गलती नहीं। अपन अगर इमली टमाटे वाली डाले सो गाल तो दाल गलाए ना, और दाल इतना जल्दी गलती, इन्हें ज़रा कमीज गलती। अपन इसको घेट लेना अच्छा। कल ये पता दारी में इसमें दाल अच्छी ओंटने के बाद मुंगे की फली इसमें डाल देना, हो पक जाती दाल। अपने थोड़ी कोथमीर, थोड़ा कलिया पत्ता। दाल उड़ गई, अपन तड़का लगा लेंगे दाल में। इतनी खुशबू आ रही दाल में, फली भी उबल गई। फली अपन इसमें डाल देंगे, पानी निथार दे के अच्छा। अच्छी आती है फली के बीजा भी अच्छे आते अंदर से, पहले नहीं खाती थी मैं फली। जब से मैं खाई हमारे बाजू के पास से खा के, जब से मैं ये फली खुद मंगा के पका के खा रही हूँ, तो फली नहीं खाती मैं पहले। दाल बघार लेंगे, मुरकुला पापड़ा तल लेंगे घर में। आयशा भी टिफिन नहीं लगे, आयशा को टिफिन बनना पड़ता। उमर स्कूल लगे तो आयशा को टिफिन नहीं देते हम, ज़रा लेट जाता टिफिन। उमर का स्कूल बहुत दूर है, 3 से 4 किलोमीटर दूर आता, उनको टिफिन जल्दी बना के दे देते। उतनी दूर कौन जाते हैं, उमर उनके स्कूल में टिफिन भी बाहर बाद में नहीं लाने देते। दाल बघार लिए, मैं चूल्हे पर रख के दाल नहीं बघारती, मेरा डर होता। दाल बघार दिए, मैं मुरकुला स्टोर करके रख लेती। हो गए लास्ट, चल रही है 2-3 महीने चलना है। बीच में 1-2-3 पापड़ के पैकेट आ जाते, फिर मार्च लगते, फिर डालते मार्च अप्रैल में डालते। मई में नहीं डालना है मुरकुला, मार्च में डालना। मई में डाले तो हवा आंधी बारा रहता, नहीं सूखते।
मुरकुला तर ये पापड़ तरी है, हमारे चाची माँ भेजे सो है पापड़, हमारे पास अभी तक है। ये बच्चों को तल के खिला बोल के भेजे मैं, हमारे बच्चे पापड़ा खा रहे थे, हम लोग आज खा ले रहे। अभी है मुरकुला, पापड़ा भी है, बस अब इतने तो तैर रही मैं। चाची माँ देखे तो हमारे बोलते अभी तक है कि इनके ने पापड़ा बोलते। अपन रवा पका लेंगे, ये नाइट की रूटीन है, रवा भून लेंगे अपन। खाने में खाने में कुछ भी नहीं खा रहे इसलिए मैं थोड़ा रवा बना देंगे और रवा बना रही है। अच्छा भूंदी रवा भी इसको बघार लेंगे अपन। थोड़े राय अनाली में, थोड़ी हरी मिर्ची, मौसम इतना ठंडा है बाहर, फिर भी अब धूप थी तो भी ठंडा थे। थोड़ा देर कैसे हाँ कल आपको देना थोड़ा नमक। मेरा तरीका अलग है बनाने का, सब क्या करते हैं बघार लेके इसमें पानी डालते ना, मैं वैसा नहीं करती है, बघार लेके ये इसमें डाल देती है, डाल के थोड़ा भूनती है, ऐसे भून ली हो पकाना भून के। अगर आप लोग बेसन भी अगर बनाए ना तो ऐसे पूरा बघार आटे को पहले भून लेके बघार लेना, बघार लेके फिर ये पूरा डाल के और भून के तुम पानी छोड़ो, तुम्हारे बेसन में एक भी लुंडा नहीं रहते, लुंडेश नहीं बनता आटा। जय ईस का विसाखी था। मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी रही तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।